आईपीएल मैच पंजाब ने चेन्नई को 11 रनों से हराया। आखिरी ओवर में नहीं जीता पाए धोनी और जडेजा। रायडू की तूफानी पारी पर फिरा पानी। तो क्या है पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए बने रहे वीडियो में लास्ट तक। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आईपीएल 2022 के 38वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 11 रनों से हरा दिया है। चेन्नई के सामने जीत के लिए 188 रनों का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 176 का स्कोर ही बना सकी और मुकाबला हार गई। अंबाती रायडू 78 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पंजाब के 8 मैचों में ये चौथी जीत है। टीम ने अब तक 4 मैच हारे हैं, वही चेन्नई सुपर किंग्स 8 मैचों में छठी हार है। टीम ने अब तक केवल 2 ही मैच जीते हैं। इससे पहले टॉस हारकर बैटिंग करते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 187 का स्कोर बनाया था। शिखर धवन ने सबसे ज्यादा नाबाद 28 रन बनाए। सीएसके की ओर से डेवन ब्रावो ने 2 विकेट लिए। पंजाब के लिए शिखर धवन ने बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों पर अपने आईपीएल करियर का 46वां शतक पूरा किया। इस सीजन धवन का यह दूसरा और चेन्नई के खिलाफ 8-50 का स्कोर है। उन्होंने 59 गेंदों पर नाबाद 28 रनों की पारी खेली। आईपीएल के अपने 200वें मैच में किसी भी खिलाड़ी द्वारा खेली गई ये सबसे बड़ी पारी है। चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने 27 गेंदों पर 30, जबकि अंबाती रायडू ने 39 गेंदों पर 78 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाई। आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत थी, लेकिन एमएस धोनी भी 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गई और इस प्रकार से चेन्नई इस मुकाबले को हार गई। सो दोस्तों, क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।